एक प्री अग्निपथ प्री रिक्रूटमेंट अवेयरनेस कम ट्रेनिंग की एक सुविधा जो कि इन्विक्टस ब्रिगेड तामुलपुर में है, उसके तहत एक तीन जगहों पे एक ये ट्रेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें हाथीगढ़ कैंप तामुलपुर में और एक कोकराझार में, ताकि चिरांग और कोकराझार के जो बच्चे हैं उनको प्री अवेयरनेस रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम के तहत ये सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। तो इसके लिए आज हम एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे कहते हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें हम कुछ बच्चों का सिलेक्शन करेंगे जिनको हम आगे भी ट्रेन करेंगे, चाहे वो फॉर्म भरना है, चाहे वो रिटर्न की तैयारी है और उसके बाद फिज़िकल टेस्ट की तैयारी, और जो भी इससे अलाइड जो भी सर्विसेज इवन उनका मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं इसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी, ताकि इसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीटीआर रीजन के आर्म फोर्सेस के में अग्निपथ स्कीम में अपने आप को इनरोल करें, अपने आप को सेलेक्ट करें, तैयारी करें, और इसके लिए हम जितना भी हमारी तरफ से मदद होगी हम देने को तैयार हैं। जो बच्चे आज सिलेक्शन होगा उन लोगों को आप लोग स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा? जी, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। उनको हम पहले से लेकर के फरवरी लास्ट तक पहले फॉर्म कैसे भरना होता है, वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता है, तो उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई और भी हमसे ट्रेनिंग लेना चाहता है और वो हमारे पास आता है तीतागुरी कैंप में, उसको अपनी तरफ से जितना भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और उसकी हेल्प करनी है हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सर, कितने युवा को लिया जाएगा? अभी तो एज ऑफ नाउ तो टेस्ट चल रहा है, एग्जैक्टली देखेंगे कि कितने लोग उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अभी पहले रिटर्न टेस्ट जो पहले सॉरी हमने फिज़िकल टेस्ट लिया है अभी, और अभी चल रहा है फिज़िकल टेस्ट, इसके बाद में हम एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, तो जो उस क्राइटेरिया में निकलेंगे एज ऑफ नाउ मैं कमिट नहीं कर सकता एग्जैक्टली। हो सकता है कि ये 350 बच्चे आए हैं, ये सारे के सारे उन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि मात्र 100 ही बच्चे हों, तो एज ऑफ नाउ मेरे लिए थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी जस्ट रिटर्न का अभी फिज़िकल टेस्ट ऑन है, अभी रिटर्न भी होगा, तो ये ना हो कि कहीं रिटर्न में अगर 100 मार्क्स का पेपर है और ये 10 मार्क्स ही लेके आ रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम बच्चे लिए जा सके हम उन्हें कोशिश करेंगे 100 से 200 के बीच में एटलीस्ट हम उनको ट्रेनिंग दें, और उसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो भी इस तरह की इंटरेक्टिव सेशन होते हैं हम उनमें जा जा के उनको प्रोवाइड करते रहेंगे जगह जगह पर जाके, ताकि ज़्यादा बच्चों को ये सुविधा जगह पे मिल सके। आज के दो जिले में कितने बच्चे आए हैं? तीन जगहों पे हो रहा है, हाथीगढ़ में उदालगिरी के लिए, तामुलपुर में तामुलपुर बक्सा के एरिया के लिए, और स्पेशली चिरांग और कोकराझार के लिए यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से उधर 1000 के करीब प्लस नफरी जो है वही शायद तामुलपुर में है, यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ 400 रिपोर्ट किए हैं, 450 के करीब, और हाथीगढ़ का एज ऑफ नाउ मेरे पास डेटा नहीं है। अग्निवीर में नौकरी में शामिल होने के लिए किसका क्या होना चाहिए? इसमें मेनली आपकी एज जो है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए, और कुछ क्राइटेरिया में आपको 8th पास भी है, 10th पास भी है, और कुछ टेक्निकल आर्म्स जो होती हैं उसमें 12th पास भी है, तो ये अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज के लिए स्कीम है, और तकरीबन आपका डोमिसाइल, रिलीजन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें एनसीसी की अलग सुविधा है, एनसीसी के लिए अलग मार्क्स हैं, और इवन कोई स्पोर्ट्स कोटे के हैं जो स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स हैं वेरियस, जैसे कि स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके मार्क्स अलग अलग हैं, हर चीज़ का एक एक वेटेज दिया हुआ है। ये इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि GTR के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और अग्निपथ स्कीम में और इंडियन आर्मी में वो अपनी सेवाएं दे सकें, और अगर इसमें नहीं भी हो पाते हैं जिन बच्चों का, वो कम से कम आगे के लिए CAPF, आसाम पुलिस या फॉरेस्ट सर्विसेज, उन सब के लिए अपना तैयारी उनके लिए भी हो जाएगी उनके, क्योंकि उसमें एज ज़्यादा होती है, किसी में 23 साल है, किसी में 25 साल है, और अगर वो उनको कोई रिजर्वेशन है तो उनको और भी एज है, तो उससे एक एक्सपोजर उनको ज़रूर मिलेगा। এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো কোকরাঝাৰ চহৰৰ মাছপাৰা মাছপাৰা খেলপথাৰ BTR চৰকাৰৰ উদ্যোগত, আৰু 135 নম্বৰ যি ইনফেণ্ট্ৰী ইকো টাস্ক ফৰ্চ তেওঁলোকৰ সহযোগত BTR অঞ্চলৰ যিবিলাক শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী, বিশেষকৈ নিৰাপত্তা বাহিনীত যিসকলৰ আগ্ৰহী সেইসকলৰ কাৰণে আগতীয়া ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ট্ৰেইনিং। এই ক্ষেত্ৰত মই জানিব বিচাৰিম ছাৰ, यहाँ जो ऐसे अग्निवीर के तहत प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो रही है, कितने बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? जी, बेसिकली ये तीन जगहों पे टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, एक तो हाथीगढ़ में, एक तामुलपुर में, और तीसरा क्योंकि कोकराझार और चिरांग ये थोड़ा वेस्ट साइड में पड़ते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसके लिए चिरांग और कोकराझार के लिए हम यहाँ पे तीतागुरी में ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। सिमिलर टेस्ट तामुलपुर में भी हो रहा है, जो बक्सा और तामुलपुर के लिए है,
और उदालगिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए हाथीगढ़ कैंप में चलवाया जा रहा है। तो तकरीबन तामुलपुर में 1000 के करीब का अभी तक का रफ अनुमान है कि वहाँ पे इतने बच्चे आए होंगे, और यहाँ पे अभी तक 450 बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया है, जिसमें से तकरीबन 10 से 20 गर्ल्स भी हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स भी अपने आप आगे आ रही हैं इस टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट में जितने बच्चे अभी इसमें फिज़िकल टेस्ट में क्लियर होंगे, और इसके बाद फिर हम एक रिटन टेस्ट भी करवाएंगे, उसमें कुछ बच्चे क्लियर होंगे उनको हम फिर आगे की ट्रेनिंग भी देंगे। और इसके अलावा जो भी हम जो बच्चे आज नहीं भी क्लियर होते हैं और वो करना भी चाहते हैं कुछ, तो वो तीतागुरी कैंप में आकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। उनको कोई भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, वेबसाइट में फॉर्म भरने से लेकर के अगर रिटर्न में अगर हमारे पास सीट्स हैं वहाँ पर बैठने के लिए, तो हम उन्हें रोकेंगे किसी को भी नहीं। और सिमिलरली वो फिज़िकल का भी जब ट्रेनिंग चलेगा, तो अगर बच्चे आके अपेयर करना चाहते हैं साथ में जो वॉलेंटियर्स हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये ट्रेनिंग दे सकें, ताकि ज़्यादा बच्चे इस स्कीम में इनरोल हों और ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सकें, यही हमारा एम है। जो बच्चे लोग मतलब इंडियन आर्मी उसके वाला पर कहाँ कहाँ चांस इन लोग को मिल सकते हैं? ये बिल्कुल जैसे इंडियन आर्मी में एक ही एंट्री अभी शुरू हुई है अग्निवीर, तो ये अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज में देश के हर कोने में, जैसे कि कोई भी आर्म होती है उसमें डिप्लॉयड होंगे। ये रामेश्वरम से लेकर के और कश्मीर से लेकर के भुज और राजस्थान से लेकर के और असम, हर जगह सब जगह इनको डिप्लॉयमेंट होने का मौका मिलेगा, जिससे इनका एक एक्सपोजर मिलेगा कि पूरे देश में नौकरी करने का और लोगों से इंटरेक्ट करने से इनका विज़न भी बढ़ेगा, तो ये एक सुविधा इन्हें मिलेगी। থ্যাংক ইউ স্যারে ইতিমধ্যে জানিব দিছে অগ্নিবীর আসনির অধীন যিসকলে নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষকৈ ভারতীয় সেনা বাহিনী অর্ধসামরিক বাহিনী অসম আরক্ষীর লগে যিসকলে নিযুক্তির বাবে চেষ্টা করেছে আগলৈকে এনে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।